गुड मॉर्निंग एवरी वन्य विद नेक्स्ट अगर जो मॉनिटरी पॉलिसी है और जो फिजिकल पॉलिसी है वो एक दूसरे से कोर्डिनेटेड नहीं है एक दूसरे से कोर्डिनेट होकर काम नहीं करती है तो जो ऑब्जेक्टिव हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वो आप अचीव नहीं कर सकते अगर जो फिजिकल पॉलिसी है और फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है वो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है और फिस्कल पॉलिसी में अगर आप ह्यूज डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हो तो जो एफर्ट्स है मॉनेटरी पॉलिसी के कंट्रोल करने के मनी सप्लाई को वो फेल हो जाएंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है ज्यादा से ज्यादा नोट्स प्रिंट करना जो आरबीआई करेगी ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर गवर्नमेंट ताकि वो लोन दे सके गवर्नमेंट को तो अगर आप ज्यादा नोट को प्रिंट करोगे तो उससे जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगी तो जो आरबीआई है वो कंट्रोल नहीं कर सकती रेगुलेट नहीं कर सकती डेफिशिएट फाइनेंसिंग को जो इफेक्ट करती है मनी सप्लाई को देन नेक्स्ट इज योर लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो इंस्ट्रूमेंट्स है क्रेडिट कंट्रोल के उनकी भी वेरियस लिमिटेशंस है अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट लोन की ऑलरेडी हाई है तो जो स्कोप है उसे और ज्यादा करने का वो लिमिटेड हो जाता है सेम तरीके से अगर सी और एस को आपने हाई कर रखा है तो वो बैडली इफेक्ट करेगा बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को वो बैंक्स जो है उनके पास लेस जो है वो, वो सरप्लस बचेगा फंड्स का जो वो लैंड करना चाहे भी तो वो नहीं कर पाएंगे तो सिमिलरली इफ एस एस आर और एस एल आर को आप कम कर देते हो तो जो इंक्रीज है बैंक के रिस्क का वो हो जाएगा इसकी और ड्यू टू लेस लिक्विड फंड्स जो बैंक्स हैं वो एबल नहीं होंगे जो भी लोग उनके पास अपने डिमांड डिपॉजिट वापस मांगने के लिए आ रहे हैं डिपॉजिट होल्डर्स उनको पे करने के लिए तो ये जो लिमिटेशंस हैं मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स की ये जो स्मूथ वर्किंग है मॉनेटरी पॉलिसी की उसको इफेक्ट करती हैं देन नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटाइज्ड सेक्टर नॉन मॉनेटाइज्ड सेक्टर में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो बाटर एक्सचेंज के थ्रू हो रही हैं वह मनी इन्वॉल्व ही नहीं है तो इंडिया में जब हम बात करते हैं स्टिल बहुत सारे नॉन मॉनेटाइज्ड सेक्टर्स हैं कई प्लेसेस पे जहां पर बाटर सिस्टम यूज होता है तो जो मॉनेटरी पॉलिसी का है उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है द नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ बैंकिंग बैंकिंग फैसिलिटीज हैं वो स्टिल अभी भी अवेलेबल नहीं है और नहीं कर सकती है उन एरियाज़ में क्रेडिट को तो वहाँ पर इंडिजीनियस जो बैंक्स हैं वो ऑपरेट करते हैं जो मॉनिटरी पॉलिसी के रेगुलेशन के अंडर नहीं आते देक्स्ट इज योर परवेजिव पॉलिसी कुछ जो है के जैसे नेचर में और बैंक इन मेजर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं देन नेक्स्ट इज इम बलेंस इन क्रेडिट एलोकेशन जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो इग्नोर करती है इंटरेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एग्रीकल्चर सेक्टर को जो उन्हें जितना क्रेडिट चाहिए वो नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशेंट सिक्योरिटी और इसलिए फिर वो इंडिजीनियस मनी लेंडर्स के पास जाते हैं अपनी क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए जहाँ पर जो फार्मर्स हैं उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है और इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो जो लार्ज पार्ट्स ऑफ फंड्स हैं आप लार्ज इंडस्ट्रीज को देते हो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी लोन नहीं मिल पाता बैंक से क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी की कमी होती है तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिजल्ट करती है इन इंबैलेंस इन क्रेडिट एलोकेशन बिकॉज ऑफ दीस रीजंस देन नेक्स्ट इज योर पुअर इंप्लीमेंटेशंस जो बैंक है वो कोऑपरेट नहीं करते हैं आरबीआई के साथ इन इंप्लीमेंट पॉलिसी और जिससे जो सक्सेस है मॉनेटरी पॉलिसी की वो हेंडर होती है देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी फर्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी प्राइस स्टेबिलिटी मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिजर्व बैंक है वो जो क्रेडिट दे रहा है गवर्नमेंट को वो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए जो आरबीआई है वो कंट्रोल करे अमाउंट को क्रेडिट की इस तरीके से कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो है वो कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो सपोर्ट करे एक दूसरे को ताकि जो भी डिजायर्ड गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक्स हैं उन्हें ग्रेटर फ्रीडम आपको देनी चाहिए इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन स्ट्रेंथनिंग मनी मार्केट जो मनी मार्केट है इंडिया में उसे स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए उसे ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहिए और अगर आप उसे ज्यादा एफिशिएंट बनाओगे तो जो पार्टिसिपेशन है इन्वेस्टर्स का इन परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई बी सिक्योरिटीज वो इंक्रीज होगा देन मोनिटरी टारगेटिंग मॉनिटरी टारगेटिंग का मतलब है कि आप टारगेट्स को फिक्स करो फॉर द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी आर को फिक्स करने चाहिए मॉनेटरी टारगेट ताकि वो रेगुलेट कर सके ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन द डिजायर्ड डायरेक्शन और ये जो टारगेट्स हैं वो रिव्यू होने चाहिए ड्यूरिंग द ईयर ताकि जो भी मार्केट कंडीशंस में चेंजेस हो रहे हैं उन्हें उसके अंदर एकोमोडेट किया जा सके अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स इन द इकोनॉमी देन क्रेडिट प्लानिंग जो सेक्टोरल क्रेडिट एलोकेशन है वो प्लान प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो आरबीआई है वो गाइडलाइंस दे क्रेडिट एलोकेशन के लिए डिफरेंट सेक्टर्स को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर को कितना कितना क्रेडिट हर एक बैंक जो है वो प्रोवाइड करवाएगा वो ऑलरेडी डिसाइड होना चाहिए इन लाइन विद गवर्नमेंट की पॉलिसीज है तो जो कमर्शियल बैंक हैं उन्हें डायरेक्ट किया जाना चाहिए कि वो लोन अकॉर्डिंग टू दो गाइडलाइंस ही देंगे नेक्स्ट इज प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी के ये जरूरी है कि उसे स्ट्रिक्टली इम्पलीमेंट किया जाना चाहिए स्ट्रांग एक्शन लिया जाना चाहिए उन बैंक के अगेंस्ट जो फॉलो नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस आर बी आई की और ड्यूरिंग ईयर जो आर बी आई है वो रिव्यू करे इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरी पॉलिसी की बाई वेरियस कमर्शियल बैंक नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यू मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ आर इस पॉलिसी को करने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि जो भी रेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो 2019-20 के मेंशन किए गए हैं ये जो करंट रेट चल रहे हैं आप कहाँ से देख सकते हैं वो हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो जो न्यू मॉनेटरी पॉलिसी है वो अनाउंस की आर ने टू मीट ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ क्रेडिट विद इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी तो जो जेडीपी प्रोजेक्ट किया गया था 2019-20 के लिए वो था 6.1 परसेंट जो इन्फ्लेशन रेट है ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस उसे प्रोजेक्ट किया गया एट द रेट ऑफ 3.7 परसेंट पर एन बाय मार्च 2020 जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के दैट इज टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर ग्रोथ ऑफ़ दी वेरियस सेक्टर्स तो जो फॉलोइंग है मॉनेटरी पॉलिसी की वो लिए गए वो क्या है पहला है रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशो आरबीआई ने रिड्यूस किया कैश रिजर्व रेशियो को ताकि जो लिक्विडिटी है मार्केट में उसे इंक्रीज किया जा सके CRR को reduce किया गया maintain growth rate economy. November 2019 में जो सी आर आर था उसे रिड्यूस किया गया फोर परसेंट रेट मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ 2019-20 में जो बैंक रेट है उसे 5.40% परसेंट रखा गया और जो एक्टिव है इस रेट को

डिड एंड टाइम लाइबलिटी का टोटल अमाउंट है उसका वन परसेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अमाउंट जो उन्होंने बोरो किया है इस फेसिलिटी से वो होगा जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट अब दी रेपो रेट देन लिक्विडिटी रेशो रीजनल रूरल बैंक के लिए जितने भी RRBs हैं, उन्हें अलाउ किया गया कि वो मेंटेन एंटायर एस एल आर का होल्डिंग गवर्नमेंट और अदर अप्रूव सिक्योरिटीज में अपने पास ही पहले जो था वो था कि जो आर हैं, उन्हें एस एल आर रखने पड़ते थे अपने स्पॉन्सर बैंक के पास

देन बैंक्स जो हैं वो डिवाइस कर सकते हैं अपनी खुद की स्कीम्स टू इनकरेज डिपॉजिटर्स फॉर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स रादर देन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और इसके लिए जो डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट में लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स के रेट्स में उसे कम किया गया देन नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी इन इंटरेस्ट रेट प्रमोट करने के लिए फेयर कंपटीशन को ये जरूरी है कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए विद रिगार्ड टू एक्चुअल इंटरेस्ट रेट्स फॉर डिपॉजिटर्स एज वेल एज बोर तो इस डायरेक्शन में जो मेजर्स प्रपोज किए गए वो थे ये थे कि जो बैंक हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट रेट्स वेरियस डिपॉजिट्स के लिए जो वो डिपॉजिटर्स को ऑफर कर रहे हैं और ये जो इंफॉर्मेशन है वो आरबीआई को अवेलेबल करवाएंगे ताकि जो RBI है एक और कंपैरेटिव पिक्चर सभी बैंक्स की अपनी वेबसाइट पे डाल सके और जो डिपॉजिटर्स हैं वो कंपेयर कर सके इंटरेस्ट रेट डिफरेंट बैंक का जो बैंक्स हैं उन्हें कहा गया कि वो स्विच ओवर करे ऑल कॉस्ट कंसेप्ट को बोरोस के लिए ताकि क्लियरली उन्हें पता चल सके कि जब वो लोन लेते हैं टोटल उन्हें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा मतलब कि जो भी आपके प्रोसेसिंग चार्जेस हैं सर्विस चार्जेस है, जो आप गोरवर से चार्ज कर रहे हो वो सब इंक्लूड करके जो इंटरेस्ट रेट बॉर्वर को पड़ेगा वो आप उन्हें बताइए तो टोटल कॉस्ट आप उन्हें बताइए इसका मतलब कि जो बैंक्स है वो क्लियरली डिटेल्स देंगे अबाउट एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस प्रोसेसिंग चार्जेस जो वो ले रहे हैं इन एडिशन टू इंटरेस्ट टू दी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और जो कस्टमर्स हैं जो बॉर्वर्स हैं उन्हें वो अंधेरे में नहीं रखेंगे दे नेक्स्ट इज लो इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट जो इंटरेस्ट रेट है एक्सपोर्ट क्रेडिट के ऊपर उसे रिड्यूस किया गया अकॉर्डिंग टू न्यू मॉनेटरी पॉलिसी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है एक्सपोर्टर्स को वो कम हुई जो बैंक हैं उन्हें इन्फॉर्म करना होगा आरबीआई को कितना मैक्सिमम और मिनिमम लैंडिंग रेट वो चार्ज कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स से देन नेक्स्ट इज योर एबोल्यूशन ऑफ मिनिमम लैंडिंग रेट फॉर कॉपरेटिव बैंक्स जो पहले था वो था कि आरबीआई फिक्स करती थी मिनिमम लेंडिंग रेट्स कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए लेकिन अब ज्यादा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाई गई कोऑपरेटिव बैंक्स को कि कॉम्परटिव एनवायरमेंट में कम्पीट करें इसलिए ये प्रपोज किया गया कि ये जो मिनिमम लैंडिंग रेट की कंडीशन है इसको विड्रॉ कर लिया जाए सभी कोपरेटिव बैंक्स के लिए अब जो कॉपरेटिव बैंक्स हैं वो फ्री हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि उनका लैंडिंग रेट क्या होगा considering their cost of funds transaction cost etc with the approval of their managing committee then next is your liberalization of investment norms will continue in next lecture thank you so much